तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग एक इरीगेशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो स्टॉक है इरीगेशन सिस्टम मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद पीवीसी पाइप्स, एग्रो प्रोडक्ट्स और भी बहुत कुछ मैन्युफैक्चर करती है। टोटल क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है बहुत लंबा लिस्ट है, जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में दिखाऊंगा आप लोगों को तब मैं दिखा दूंगा वन बाई वन कि कंपनी क्या क्या करती है। उसके बाद अगर कंपनी के बारे में बात करें तो बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है कंपनी, मतलब बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है कंपनी। और अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है -2.04%, ये है 5 साल की सेल्स ग्रोथ। अगर 3 साल की आरओई के बारे में बात करें, 3 साल की आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो निकल के आ रही है -7.57%। उसके बाद अगर बात करें प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो वो 50% प्लेज हो रखा है और प्रोमोटर होल्डिंग भी कम है। कितना है जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। और अगर हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स के बारे में बात करें, मतलब आम जनता के बारे में बात करें, तो वो उन लोगों का 51.7% पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक में, तो उन लोगों का होल्डिंग निकल के आ रहा है, मतलब हम आप जैसे लोगों का होल्डिंग 51.7% पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। उसके बाद बात करें स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स में, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का नेम है जेन इरीगेशन, एनएससी का डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर आज के बारे में बात करें तो अपने अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, लेकिन आज ट्रेडिंग हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज ट्रेडिंग हुआ है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाद में आएंगे, अभी फिलहाल ये कंपनी 39 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। और अगर आज की वॉल्यूम देखते हो तो विदाउट एनी बिल्डअप आज बहुत ही अच्छा खासा वॉल्यूम में एक ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने, ये आप लोग बोल सकते हो। तो अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोगों को लेवल्स तो दिख ही रहा होगा, एक सेकंड ऊपर वाला छुप गया। यहाँ पे आप लोगों को लेवल्स तो दिख ही रहा होगा, 26 का सपोर्ट लेके ये कंपनी ऊपर जा रही है और 38 रुपीज़ के आसपास का जो रेजिस्टेंस दिया था ये कंपनी सक्सेसफुली तोड़ चुका है कि नहीं ये तो मैं नहीं अभी बोल सकता, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को देखो मुझे पता है कि तोड़ा है या नहीं है, टू सम एक्सटेंट मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को टोटल डिलीवरी परसेंटेज दिखा के ही आप लोगों को बोलूँगा कि सक्सेसफुली ये रेजिस्टेंस पेनिट्रेट किया है या नहीं किया है। क्योंकि आज का अगर अपर सर्किट में क्लोज हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, लेकिन आज का अगर डिलीवरी परसेंटेज देखोगे ना तो चौंक जाओगे, तो 100% चौंक जाओगे। अपर सर्किट में भी क्लोज हुआ है ये स्टॉक और अगर वॉल्यूम भी देखते हो तो ओवरऑल सिर्फ ओवरऑल वॉल्यूम ही अच्छा है, लेकिन अगर आज की डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो गंदा आया है, बहुत ही बेकार आया है आज की डिलीवरी परसेंटेज। मतलब मैक्सिमम ऑफ द ट्रेड्स आर इंट्राडे ट्रेड्स, कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय नहीं कर रहा था आज, एटलीस्ट 2 या 3 दिन के लिए तो बाय नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके ऊपर का जो टारगेट है मेजर टारगेट 50 रुपीज़ का है, 43 रुपीज़ के आसपास का एक स्लाइट रेजिस्टेंस एरिया आप लोग बोल सकते हो। यहाँ से गिर सकती है नहीं भी गिर सकती है, यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, और 50 रुपीज़ का जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रही है। यहाँ पे एटलीस्ट स्टॉक 1 हफ्ते के लिए कंसोलिडेट कर सकती है, अगर निकल जाती है फ्लो में तो निकल जाएगी, लेकिन अगर रुक जाती है बाई चांस तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मेजर रेजिस्टेंस निकल के आता है। सेम 60 रुपीज़ का भी रेजिस्टेंस बहुत ही एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आती है, तो मुझे नहीं लगता कि एक ही बार में 60 रुपीज़ का टारगेट ये तोड़ेगा। तो अब बात करते हैं तो 43 रुपीज़ का क्या सीन है। देखो गाइस 43 रुपीज़ में एक स्लाइड सा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट भी आप लोग बोल सकते हो। तो कैसा होता है मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार पुराना चार्ट दिखा देता हूँ कंपनी का, बहुत ही पुराना कंपनी है ये। अगर एक सेकंड गाइस, ये वाला भी नहीं, हाँ यहाँ पे आप लोग, ये 2006 का चार्ट है, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2006 का चार्ट है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, लेकिन 43 का जो लेवल है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। जब सेम पैटर्न, मैं तो सेम पैटर्न नहीं बोलूँगा, लेकिन सेम जब भी जैसे अब जा रही है 26 रुपये के लेवल से सपोर्ट लेके, वैसे ही इस बार भी गया था और डायरेक्ट 50 रुपीज़ की टारगेट किया, 60 रुपीज़ की टारगेट भी इन्होंने दिखा दिया था, इस स्टॉक ने दिखा दिया था, ऑलमोस्ट 59 रुपीज़, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग एरर है, ऑलमोस्ट 59 रुपीज़ की टारगेट दिखा दिया था कंपनी ने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 43 के आसपास यहाँ पर तो कंसोलिडेट किया ही था, लेकिन ये जो है वो मेजर एक सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है स्टॉक के लिए। अगर सपोर्ट काउंट करें तो एक बार सपोर्ट लिया, दो बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लिया, तीन बार सपोर्ट लेके ये फीड ऊपर गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन ये सच कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है।
₹50 का टारगेट दिखाने का चांसेस बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस है। अगर 43 के ऊपर चली जाती है तो स्टॉक कंसोलिडेट करेगी, लेकिन ₹50 का टारगेट दिखा देगी, इसका 75% गारंटी ले सकता हूँ मैं। 100% नहीं बोल सकता, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 43 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो ₹50 की टारगेट दिखाएगी, ये चांसेस ज़्यादा है। हाँ, हो सकता है यहाँ से फिर से एक बार सपोर्ट लेके दिखाए, या तो फिर इन दोनों के बीच में कंसोलिडेट करती रहे और धीरे धीरे ये ऊपर जाए, लेकिन ₹50 की टारगेट दिखाएगी। कब तक दिखाएगी पता नहीं, लेकिन दिखाएगी। और जैसे कि मैं बोल रहा था, ₹50 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस लेके ऊपर गया है, मतलब 3 बार ये रेजिस्टेंस को पेंटेड करने की कोशिश करने के बाद, ₹50 का जो रेजिस्टेंस है इसे 3 बार पेंटेड करने की कोशिश की, लेकिन 4th टाइम ये सक्सेसफुल हुआ और ऊपर चला गया। तो ये आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर सकते हो, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है स्टॉक के, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज, जहाँ पे मेन जो गेम है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देख सकते हो जेनी इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड का NSE का चार्ट खुला हुआ है। अगर आज के बारे में बात करें, आज 52 वीक हाई इसने टच किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 52 वीक हाई में, और लगभग लास्ट ईयर को इसी टाइम पे, इसका एक महीने के डिफरेंस था, इसी टाइम पे ये 52 वीक लो में था। तो एक साल में अच्छे खासे रिटर्न देके जा रही है कंपनी, एटलीस्ट 250% के आसपास का रिटर्न देके जा रही है, सॉरी 200% के आसपास का रिटर्न देके जा रही है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो आज कितने क्वान्टिटी ट्रेड हुआ है, 2,36,09,178 क्वांटिटी ट्रेड हुआ, जिसका वैल्यू लगभग 9,100 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। लेकिन आप बात करते हैं ये जो फिगर है ये ध्यान रखना, अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वो निकल के आ रही है 9,18,742 क्वांटिटी, और वो भी बाइंग की तरफ एट द प्राइस पॉइंट 38.6। प्राइस पॉइंट इतने ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करती है, लेकिन आप डिलीवरी पोजिशन आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो गाइस, सिर्फ और सिर्फ 54% डिलीवरी ट्रेड लिया गया है आज, मतलब हाँ जो लोग रिटेलर्स हैं वही, मुझे लग रहा है वही ये गलती कर रहे हैं, और वही गलती करके ट्रैप होने के लिए ये जो 54.39% का CNC ऑर्डर लेके जा रहा है, लेकिन जो वॉइस लोग हैं वो लोग इंट्राडे में ही निकल रहे हैं, बाकी डिलीवरी तो बहुत ही कम है। और अगर एक कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग होता है, और फर्स्ट डे तो समझ में आ गया चलो ट्रेडिंग हो रहा था, उसके बाद अचानक से अपर सर्किट में क्लोजिंग हुआ, तो ये समझ में आता है कि डिलीवरी परसेंटेज कम निकल सकता है, लेकिन लगातार अपर सर्किट में क्लोजिंग हो रहा था और आज अचानक बीच में 54.39% की डिलीवरी परसेंटेज इसने दिखा दिया। तो गाइस, हो सकता है, श्योरली मैं नहीं बोल सकता, लेकिन डाउट रहता है मन में कि कभी भी ये कंपनी गिर सकती है और जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप्ड हो सकती है। हाँ, हो सकता है 43 या 50 के लेवल दिखा दे, लेकिन जो डेटा देख के मुझे अभी समझ में आ रहा है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ट्रैप हो सकता है, जो भी लोग अभी बाय कर रहे हैं वो ट्रैप हो सकता है। आप लोगों को क्या करना है, अगर कल प्रॉपरली जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप लोग बोल सकते हो, अभी तो सपोर्ट हो गया क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया, एक बार फिर से आप लोगों को चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर कल प्रॉपरली ये 38.6 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है, एक बार इंक बदल लेता हूँ, 38.6 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 50, क्योंकि 50 का जो टारगेट है वो दिखाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू, हाँ 43 के आसपास ऐसे कुछ पैटर्न फॉर्म हो सकती है, लेकिन 50 की टारगेट दिखाएगी। कब तक दिखाएगी ये नहीं पता, लेकिन दिखाएगी ज़रूर। अगर आप लोग एक कन्फर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए, एटलीस्ट एक श्योर स्विंग ट्रेडिंग के लिए जाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो आप, बाकी आप लोगों के ऊपर है। तो आप बात करते हैं मेन फंडामेंटल्स के बारे में, कैसी है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसी रहेगी और कैसा रिटर्न देके जा सकती है उसके बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, कंपनी बहुत कुछ करती है और बहुत ही पुराना कंपनी है, 34 ईयर्स से है ये कंपनी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो इरिगेशन PVC पाइप HD, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर के बारे में बात करें तो मार्केट कैप 1871 करोड़ के आसपास का निकल के आ रही है, ROC 1.15, उसके बाद ROE तो माइनस में जा चुका है -12.30, उसके बाद बुक वैल्यू उससे काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रही है, और ये तो 52 वीक हाई है आप लोगों को दिख रहा है, फेस वैल्यू ₹2 का है, डिविडेंड नहीं देती कंपनी। उसके बाद अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स में, प्रोज में सिर्फ एक ही है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.62 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बाकी अगर कॉन्स के बारे में बात करें
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -2.04। ये मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। प्रोमोटर होल्डिंग लो, तो नया क्या है देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग लो है, आरओई भी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। प्रोमोटर होल्डिंग 49.95% प्लेज हो रखा है, मैंने राउंड फिगर करके 50% बोला था। उसके बाद कंटिजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो 724.17 करोड़ की कंटिजेंट लायबिलिटीज़ निकल के आ रही है कंपनी की। कंपनी हैज हाई डेफ्टर डेज 160.38 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में जून की क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है, जून में प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन एज सच अगर मार्च की कंपैरिजन में देखें तो एज सच कोई प्रॉफिटेबल नहीं रही कंपनी। और मार्च की क्वार्टर में एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाई है कंपनी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा रिकवरी। टोटली लॉस मेकिंग कंपनी से डायरेक्ट एकदम प्रॉफिटेबल, वो भी डायरेक्ट ऑलमोस्ट 50 करोड़ की प्रॉफिट दिया है कंपनी ने। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो -226 करोड़ की अभी से करंट फाइनेंशियल ईयर में लॉस दे रही है कंपनी। उसके आगे अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट -396 करोड़ की है, और ये जो है टोटली इंटरेस्ट की वजह से। इंटरेस्ट देखोगा इस कंपनी की, कंपनी का जो सेल्स फिगर है उसी के अगर बारे में बात करें तो उससे सिर्फ कुछ ही गुना कम है इसका जो इंटरेस्ट है। और डिप्रिसिएशन वैल्यू देखोगा इस, अगर बात करें सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इसका जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। देख सकते हो आप लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 522, इंटरेस्ट आप लोग देख सकते हो 751। वहाँ से अगर अदर इनकम तो ठीक ठाक है, खैर छोड़ी दो, अदर इनकम अगर डिप्रिसिएशन से कंपेयर करें तो अदर इनकम भी कम पड़ता है कंपनी में। मतलब टोटली कुछ अगर एक पॉजिटिव हो रहा है तो दो नेगेटिव है कंपनी में। और इसके अगर डेब्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू द रिजर्व। रिजर्व कम हो रही है कंपनी का, और बोरोइंग्स धीरे धीरे कम की है, लेकिन एज सच कोई इतना भी खुश होने वाला बात नहीं है, क्योंकि 6200 करोड़ की डेब्ट है कंपनी के पास, जबकि इसका रिजर्व अगर राउंड फिगर भी कर लेते तो भी 3000, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से भी कम निकल के आ रही है, हाफ से भी बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ रही है कंपनी का जो डेब्ट है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज में के बारे में बात करें, कैश फ्लोज इंक्रीज हुआ है, लेकिन गाइज ये मैं बोल सकता हूँ लॉन्ग टर्म में, चलो पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे लॉन्ग टर्म में कैसी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, 28.64% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs का भी होल्डिंग था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग क्विट कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो लगातार जो प्रोमोटर्स है वो एग्जिट मार रहे हैं स्टॉक से। December 2020 में गेन किया था, लेकिन फिर से एग्जिट मार रहे हैं। अगर 2 साल पहले के बारे में बात करें, 2 साल नहीं 3 साल पहले के बारे में बात करें तो 30% था, जबकि जो अभी हुआ है 5% में रह गया है, ऑलमोस्ट 31% था। अगर पब्लिक के मतलब हम जैसे लोगों के पैसे के बारे में बात करें तो पहले हम लोगों का होल्डिंग सिर्फ 33% था, जबकि अब 65.5% है। पब्लिक का होल्डिंग धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। DIIs का भी होल्डिंग था, DIIs ने भी क्विट कर दिया। गवर्नमेंट का भी होल्डिंग था, गवर्नमेंट ने भी क्विट कर दिया। तो बड़े बड़े प्लेयर्स एग्जिट मार रहे हैं, तो हम लोगों को यही देख के समझ जाना चाहिए कि देखो प्रोमोटर्स का भरोसा बनाया हुआ है, लेकिन गाइस जो लोग अगर प्रोमोटर्स ही बेच देगा, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग एज सच कोई 70% या 50% से भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 28% है, क्योंकि 25% से कुछ ही परसेंटेज ज़्यादा है। तो अगर ये लोग ही बेच देते हैं तो कंपनी तो टोटली बंद हो जाएगी, शटडाउन हो जाएगी कंपनी। तो प्रोमोटर्स का ये देख के खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कि प्रोमोटर्स का होल्डिंग कंस्टेंट है तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग मतलब प्रोमोटर्स का भरोसा बने हुए हैं कंपनी पे, कंपनी फ्यूचर में जाके अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकती है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ वही लोग हैं जो कंपनी चला रही है। बाकी गाइस आदर्श में देख लेते हैं किसका होल्डिंग है, आदर्श में कोई भी मेंशन नहीं है। DIIs में देख लेते हैं किन किन का होल्डिंग था, ICICI बैंक का होल्डिंग था, म्यूचुअल फंड, विंटेज इक्विटी फंड का होल्डिंग था कंपनी में, लेकिन वो सब लोग क्विट करके निकल गए। और 0.01% किसका होल्डिंग है किसी को नहीं पता, हाँ पता तो ज़रूर होगा लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है। FIIs में देख लेते हैं, FIIs में देख सकते हो किस किस का होल्डिंग है। और अगर पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक में अभी आप लोग देख सकते हो जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे मंडला रोज, उसके बाद हार्दिक भारत पटेल, तो वो भी अगर मेजॉरिटी देखें तो वो अपने जो होल्डिंग है वो डिक्रीज कर रहे हैं वो लोग। और एक DIIs ने, मैं DIIs तो नहीं बोलूँगा, बड़े रिटेलर्स ने फिर से इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, मतलब फ्रेश एंट्री किया जो कि 1.73, इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था, शायद ये स्विंग ट्रेडिंग के मतलब से आ रहा है, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आया था, अभी निकल जाएगा। एज सच कोई बड़ा डिसीजन यहाँ से नहीं ले सकते हो आप लोग, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं जितना हो सके आप लोग अवॉइड करो। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो बाय करके चल सकते हो, लेकिन मैं अगर आपके अगर मैं होता तो मैं ज़रूर अवॉइड करता इसे। बाकी गाइस आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करोगे। मेरा जो स्विंग ट्रेडिंग का लेवल था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ।
बाकी टोटली जो डिसीजन है वो तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय गाइस, स्टे सेफ।